तो फाइनली दोस्तों, आज की स्टूडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग अपने Redmi Y2 की डिवाइस में या फिर Xiaomi की कोई सी भी डिवाइस आपके पास है, कैसे उसमें हम लोग वन UI वाली क्विक सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, जब मैंने ये वाली वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया था, तब आप लोगों में काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, कैसे हम लोग अपने Redmi Y2 की डिवाइस या फिर Xiaomi की कोई सी डिवाइस आप लोग यूज करते हैं, जिसमें आप लोग MIUI 11 या फिर MIUI 10 को रन करते हैं, उसमें कैसे आप लोग Samsung की वन UI क्विक सेटिंग को एनेबल करेंगे दोस्तों। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के लिए जो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे हम लोग इसे अपने डिवाइस में Redmi Y2 की डिवाइस या फिर Redmi या कोई सी डिवाइस आप यूज करें, कैसे UI को हम लोग इसे एनेबल करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ऑल टॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए नोटिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप लोग सैमसंग की डिवाइस को देखे होंगे तो सैमसंग की डिवाइस में आप लोगों को वन UI की अपडेट जब देखने को मिली है तो उसकी क्विक सेटिंग पहले कुछ इस तरह से आप लोग देखने को मिलती है, जो दोस्तों देखने में काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों, उसकी लुक मुझे काफी अच्छी लगती है। जैसा कि अगर MIUI की हम लोग बात कर लेते हैं तो MIUI में हमें डिफरेंट टाइप देखने को मिलती है। जैसा कि MIUI 10 में जो देखने को मिलती थी, वही सेम लुक हमें MIUI 11 में देखने को मिलती है, जो हमारी लुक को बिल्कुल खराब कर देती है। लगता है कैसे अभी भी हम लोग 1 ईयर ओल्ड डिवाइस को यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर 1 UI को आप लोग अपने फोन में यूज करते हैं तो आप लोगों को अपने डिवाइस को रूट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में लेकर यहाँ पर दिखा देता हूँ फोन में, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर ग्लोबल रोम यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को Redmi Y2 की डिवाइस देखने को मिल जाती है, ग्लोबल रोम यूज कर रहा हूँ, कोई भी कस्टम रोम या मॉडल रोम नहीं है दोस्तों। और मैं इसी रोम में आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ तो देखने को मिल जाती है मैं यहाँ पर 1 UI को यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। अगर लेआउट में दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम लोग को इस तरह की लेआउट देखने को मिलती है। तो अगर क्विक सेटिंग आइकन शेप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक प्रीव्यू देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो इस प्रीव्यू को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अभी सर्कल देखने को मिलती है आप लोग, अगर आप लोग हेक्सागन करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रीव्यू देखने को मिलती है। और आप लोग नोटिफिकेशन एरिया को अगर डाउन करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं सब तरफ आप लोगों को हेक्सागन की शेप देखने को मिल जाती है। या फिर आप लोगों को जो भी पसंद है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी पसंद आप लोगों को यहाँ पर सेट कर लीजिए, आप लोगों के सभी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं बिग क्लॉक पोजीशन, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक पोजीशन हमें सेंटर में देखने को मिलती है। तो इस क्लॉक की पोजीशन को हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सेंटर देखने को मिलती है, हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग लेफ्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर लेफ्ट देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को पसंद है कि आप लोग सेंटर में रखेंगे तो आप लोग सेंटर में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्मॉल कॉर्नर्स को यहाँ पर हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक स्मॉल कॉर्नर देखने को मिलती है, तो अगर आप लोग इस कॉर्नर पसंद नहीं है तो आप लोग इस तरह से आप लोग इसे रख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह पसंद तो आप लोग इसे एनेबल करके कुछ इस तरह से आप लोग देखने को मिलेगी आपके इस वाला एरिया में। तो काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो ब्राइटनेस स्लाइडर इन हेडर, तो अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे हेडर में कोई किसी भी तरह कोई ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे आप लोग इसे एनेबल करेंगे तो आपके यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिल जाती है। पहले अगर आप लोग इसे डिसेबल करेंगे तब हम लोग पूरी ड्रॉप करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन जैसे आप लोग इसे एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद दोस्तों हम एक ही बार में यहाँ पर लोग ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप लोग एनेबल करिए, नहीं पसंद तो आप लोग यहाँ डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कलर्स की बात कर लेते हैं तो कलर्स में आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर आपको ग्रे देखने को मिलती है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी कलर को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रेड देखने को मिल जाती है। आप मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा तो आपको यहाँ पर रेड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप कस्टम इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपके फोन में कोई सी भी इमेज वगैरह है दोस्तों, तो आप कस्टम इमेज को डालकर यहाँ पर सिलेक्ट करके, अगर आपके फोन में फोटोज वगैरह है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फोटोज नहीं है दोस्तों, तो आप इंस्टेंट यहाँ पर कैप्चर करके इसे सिलेक्ट करके आप लोग अपने फोन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अब खुद की फोटो दोस्तों, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर कस्टम इमेज देखने को मिल जा रही है, तो आप लोग खुद की फोटो को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कलर वगैरह की मैं बात करूँ तो कलर हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर कस्टम इमेज पसंद नहीं तो उसे आप लोग रिमूव कर सकते हैं। टाइल्स कलर की दोस्तों बात कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ब्लू देखने को मिलती है, तो आप लोग टाइल्स कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर व्हाइट कर देंगे तो आपकी व्हाइट यहाँ देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन एंड व्हाइट की कम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कलर आप लोग जो भी पसंद है आप लोग उससे कलर चूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड कलर का आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से कस्टमाइजेशन आप लोग देखने को मिल जाती है। अगर मैं सबके बारे में बताने जाऊँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आप जब इसे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग अपने फोन में चेक कर लेना, और उसके अलावा कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर एज ट्रिगर की बात कर लेते हैं तो हमें एज ट्रिगर की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर हम इसे यहाँ पे एनेबल करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जब हम लोग यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन पहले यहाँ से ओपन हो जाएगी दोस्तों। ये तो हुई कस्टमाइजेशन की, जिसे हम लोग अपने फोन में कस्टमाइज कर सकते हैं वन UI वाली सपोर्ट को अपने।
रेडमी किसी भी डिवाइस में आप इनेबल कर सकते हैं, चाहे आपके पास रेडमी वाई टू की डिवाइस हो या फिर रेडमी के 20 प्रो हो या फिर रेडमी कोई सी डिवाइस को आप तो रन कर दोस्तों किसी भी डिवाइस में आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बता दूं मैं इसे इनेबल कैसे करना है। तो दोस्तों इसे इनेबल करने के लिए आप लोगों को अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वन शेड, जिसका नाम है वन शेड कस्टम नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। तो आपका प्ले स्टोर पर दोस्तों ये अवेलेबल है, फ्री में आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफ दिखेगा, आप लोग इसे यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप लोग ये सारी परमिशन को यहाँ पर अलाउ करना होगा, राइट साइड में यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन को अलाउ करके यहाँ बैक करेंगे। एक्सेसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर अलाउ कर देंगे, तो यहाँ पर जाएंगे मोर डाउनलोड सर्विस में और वन शेड को यहाँ पर अलाउ कर देंगे, उसके बाद बैक करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे, उसके बाद फिर बैक करके जाएंगे नोटिफिकेशन को दोस्तों, यहाँ भी हम लोग यहाँ से अलाउ कर देंगे, वन शेड वाले नोटिफिकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, बैक कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अगर आप डुअल सिम वगैरह यूज करते हैं तो अलाउ कर देना, और इसे चाहे तो चेक कर सकते हैं या फिर आप डोंट शो अगेन भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग के फोन में यहाँ पर इनेबल हो चुका है। आप लेआउट यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, तो सारे कस्टमाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग अपने शाओमी किसी भी डिवाइस में, रेडमी कोई भी डिवाइस में दोस्तों, आप लोग यहाँ पर वन यूआई वाली क्विक सेटिंग पैनल यानी सैमसंग वाली क्विक सेटिंग पैनल को इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कुछ पूछना दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर देना।